टीम इंडिया को वेस्टइंडीज में T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को खेले गए सीरीज के आखिरी और पांचवें T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने 61 रन और तिलक वर्मा ने 27 रन की पारी खेली थी। वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो सिफर ने 4 विकेट लिए, वहीं अकील हुसैन और जेसन होल्डर को 2-2 सफलता मिली। भारत के लक्ष्य को वेस्टइंडीज की टीम ने 18 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ब्रेंडन किंग 55 गेंद में 85 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं पूरन ने 35 गेंद में 47 रन की पारी खेली। साई होप ने 13 गेंद में 22 रन बनाए। वहीं इस हार के साथ टीम इंडिया के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच हारने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। वेस्टइंडीज की टीम ने साल 2016 के बाद पहली बार भारतीय टीम को किसी द्विपक्षीय सीरीज में मात दी है। पांचवें T20 मैच में 4 विकेट लेने वाले रोमारियो सिफर्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं निकोलस पूरन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।